हेलो एंड वेलकम टू बुलेट राजा वंस अगेन। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल ये है नई टाटा अल्ट्रोस XM प्लस वेरिएंट है, ICNG में CNG के साथ आता है। इसमें आगे आप देखिएगा नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प है, फॉग लाइट इसमें नहीं आती हैं, वो मुझे डलवानी है। और बाकी लुक आगे से सेम है। साइड अगर लुक की बात करें तो साइड लुक इसका कुछ इस तरह से है। और ये देखिए आप, यहाँ पर ये पूरा जो इसका लुक आ रहा है बेहतरीन लुक है। और यहाँ पर साइड में टाटा ने 50 लाख कार सेल किए हैं तो सेलिब्रेशन का लोगो यहाँ पर लगाया हुआ है। पीछे से अगर लुक की बात करें तो पीछे से कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ये लुक आता है। और यहाँ पर ICNG की बैजिंग है, पीछे हेलोजन टेल लाइट है और अल्ट्रोस की ब्रांडिंग है, टाटा की ब्रांडिंग है। पीछे CNG का लोगो लगा हुआ है क्योंकि ये CNG है। इसमें ख़ास बात यह है कि जो CNG है वो ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी में आती है। सबसे पहले मैं आपको वही दिखा दूं तो आप देखें यहाँ पर बूट स्पेस हमें अच्छा खासा मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। और ये दो सिलेंडर यहाँ पर ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी है CNG की, वो यहाँ पर दो सिलेंडर यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। बूट को बंद करते हैं। अब अगर अंदर से बात करें तो मैं इसको ओपन करता हूं तो देखिए ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जहां पर CNG का भी आपको दिखाएगा 5 पॉइंट्स, कितनी CNG है, पेट्रोल का भी दिखाता है, स्पीड दिखाएगा, ट्रिप दिखाएगा। और अगर हम इसको यहां पर पेट्रोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस कर देना है, पेट्रोल में आ जाएगा। पेट्रोल में ये आपका जो है एवरेज दिखाएगा और रेंज भी दिखाएगा कितना चलेगी गाड़ी, ये सब CNG में नहीं दिखाता। जैसे देखिए CNG में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो CNG में रेड ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है तो ये सारी चीज़ हट जाती है, CNG मोड एक्टिवेटेड लिखा हुआ यहाँ पर आ जाता है। बात करें यहाँ पर तो AC सिस्टम इस तरह से है, लगेगा आपको ऑटोमेटिक है लेकिन ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग फ्लो दे सकते हैं और यहाँ पर आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं AC का। AC यहाँ से भी ऑफ हो जाता है, यहाँ से ऑन हो जाता है। और ये सभी फंक्शन है एयर को अंदर लाने के लिए, डिफॉगर है नीचे, डिफॉगर प्लस नीचे पैरों पर हवा आए, बाहर सीधे हवा आए, पैरों पर सीधे हवा आए, नीचे पैरों पर हवा आए, तो ये सारी चीज़ें हैं। USB पोर्ट है यहाँ पर, एंड्रॉयड ऑटो का, एप्पल कारप्ले का यूज़ कर सकते हैं इसको लगा के। 12 वोल्ट का सॉकेट है यहाँ पर, टायर पंक्चर किट भी आती है उससे आप चार्जिंग भी और टायर पंक्चर भी कर सकते हैं किट, ठीक है। और ये टच स्क्रीन है हरमन की, यहाँ पर आप इसको पैक करेंगे तो ये दिखाएगा सेंसर। तो जैसे ही आप रिवर्स करते हैं तो यहाँ पर रिवर्स कैमरा नहीं आता है इस वेरिएंट के साथ, तो पार्क ब्रेक एंगेज हैं। देखिए यहाँ पर ये मैंने ओपन है, अब देखिए यहाँ पर चेक सराउंडिंग फॉर सेफ्टी, जैसे ही पीछे कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो फिर ये दिखाएगा। देखिए ये इस तरह से, अगर मैं गाड़ी ऑन करके आपको दिखाऊँ तो पीछे कितना डिस्टेंस है, और अगर क्लोज ले जाऊँगा तो आप देखिए, और क्लोज ले जा रहा हूँ मैं पीछे की तरफ तो भरता जा रहा है, बहुत नज़दीक आ जाएगा, ग्रीन एरिया बहुत हो रहा है। और यहाँ पर देखिएगा अगर मैं इसको और नज़दीक ले गया तो येलो में कन्वर्ट हो गया, और बहुत नज़दीक ले गया तो फिर ये पूरा रेड में हो जाता है अंदर जाके। तो इस तरीके से इसका ये जो है काम करता है। बाकी आपका इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सब चीज़ें डिटेल आप देख ही सकते हैं। और जो टच स्क्रीन है इसके अंदर आपका एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले है, और आप होम पर जाना चाहते हैं तो होम पर भी जा सकते हैं यहाँ से। ये एंड्रॉयड ऑटो नोटिफिकेशन, व्हाट 3 वर्ड्स, रेडियो, USB, एम्बियंट लाइट इसमें है नहीं, BT ऑडियो, ड्राइव नेक्स्ट, टूडल, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत सारे फीचर्स हैं। आप वॉल्यूम को यहाँ से भी इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ पर भी इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं, कॉल को पिक कर सकते हैं, कॉल कट कर सकते हैं, यहाँ से मोड आप चेंज कर सकते हैं। हॉर्न है, इधर भी हॉर्न है, आप सेंटर से भी हॉर्न को प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पर पार्किंग लाइट है, इसको आप प्रेस कर देंगे तो पार्किंग हो जाएगी यहाँ पर। और एक बात, यहाँ पर AC सामने ही आते हैं, पीछे जो है AC का वो नहीं दिया गया है कैबिनेट,
पर एक बात बताऊं आपको, इसका एसी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप एसी चलाएंगे तो आपको पीछे वाले कैबिनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी गाड़ी मिनटों में कूल कर देता है। टाटा का मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, एसी का जवाब नहीं है, बहुत जल्दी कूलिंग करता है और बहुत ज़बरदस्त एसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये आप रेन आती है तो वाइपर चला सकते हैं, यहाँ पर आप लाइट्स के लेवल सेट कर सकते हैं, हेडलाइट के किस लेवल पर रखना है, तो चार लेवल यहाँ पर दिए हैं 0 से 3 तक, हेडलाइट को ऑन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर, जैसे कि अगर मान लीजिए आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने मिरर को, देखिए यहाँ पर मैं राइट में क्लिक करता हूँ और एडजस्ट कर रहा हूँ, ये ऊपर गया ये नीचे गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, अगर मैं चाहूँ तो इस बटन को पीछे करके बंद कर सकता हूँ, ये देखिए बंद हो गया। अब फिर दोबारा मैं पीछे करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं ऑफ करता हूँ, ऑटोमेटिक बंद हो गए और ये ऑटोमेटिक ऑन हो गए। तो कुल मिला के यही फीचर्स हैं इस गाड़ी के अंदर। दोस्तों अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए इस मॉडल के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, और अगर आप ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो आप ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। और इसमें फॉग लाइट नहीं डल पाई है, तो फॉग लाइट मैं जल्दी ही डलवा लूँगा इसके अंदर, क्योंकि अभी ऑर्डर लगाया हुआ था, आने में थोड़ा टाइम लगेगा, दिल्ली से आ रही है।